तब तक चलाओ। ये कानपुर में गंगा नदी बिठूर घाट का डिस्क्रिप्शन है। इस वीडियो में देखिए, आज माघ मेला लगा हुआ है। पूर्णिमा के दिन लोग दूर दूर से हवन सामग्री, अस्थि विसर्जन आदि के लिए आ रहे हैं। उसी क्रम में मेरा भी यहाँ पर आना हुआ। मेरे परम पूजनीय एवं पिता तुल्य, अपने लड़के के समान मानने वाले ताऊ जी जो एक्सपायर हो गए, उनका अस्थि विसर्जन मैं करने आया। मेरे साथ मेरे बड़े भाई देवेंद्र यादव, मेरे अंकल जी, पिताजी, मेरा भतीजा, मेरा ये भांजा गोलू यादव इटावा से यहाँ पर आए। यहाँ पर गंगा में एक मुझे खास बात देखने को मिली कि यहाँ पानी बहुत कुछ साफ है पहले की अपेक्षा, और पॉलीथीन का जो डिस्पोजल कर रहे लोग, डिस्पर्सल, वो बाहर ही कर रहे हैं। ये देखिए, एक बॉक्स रखा है लोहे का, इसमें हवन सामग्री, कपड़े, थैली आदि लोग डाल रहे हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत उनको ये लगाया गया है और सलाह दी गई है सभी पंडाओं को कि ये नदी के अंदर ना करो। बड़ी संख्या में लोगों का यहाँ तांता लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं, नहा स्नान करते हैं गंगा में। और ख़ास बात ये, यहाँ कोई साबुन नहीं नहा लगा रहा है नदी में। प्रदूषण की दृष्टि और गंगा की सफाई के लिए काफ़ी कुछ अच्छा है। और ये देखिए, लगभग 2 किलोमीटर लंबा एक ब्रिज बना हुआ है, और इस ब्रिज के पास ब्रह्मा जी की कुटी है जहाँ पर ब्रह्मा जी रहते थे। ये मंदिर बने हुए हैं पुराने, बहुत ही प्राचीन समय के। ये मोटर बोट है, इनमें बैठ कर के लोग लुत्फ़ उठा रहे हैं नदी का, अंदर अस्थि विसर्जन कर रहे हैं। मैंने भी मोटर बोट से रिवर का अंदर जा कर के एक लुत्फ़ उठाया और अपने साथियों के साथ वापस आया नदी से। यहाँ पर गंगा का ये देखिए, दूर तक एक सीन दिखाई दे रहा है। आप लोग फोटो करना, सब मिला है।